हेलो एवरी वन वेलकम टू अड्यूट ऐप सो इन टूडेज सेशन वील बी कवरिंग ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स एंड डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क तो इस सीरीज़ में हम ट्वेंटी फाइव लेक्चर्स में पूरा पी पी बी का कॉम्पोनेंट कवर करेंगे सेम ऐसा सीरीज आई एन एफ एस और ए एफ एम के लिए भी चैनल पर अवेलेबल है सबकी सेपरेट प्ले लिस्ट चैनल पर अवेलेबल है आई वुड लाइक टू मेक वन मोर अनाउंसमेंट कि हमारा एक क्रैश को स्टार्ट हुआ है फॉर आई एन एफ एस टेन डेज के अंदर हम पूरा आई एन एफ एस का कॉम्पोनेंट कवर करवाएंगे इस क्रैश कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस भी होंगी शॉर्ट नोट्स भी होंगे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी तो अभी इस पे फ्लैट सेवेंटी परसेंट ऑफ अवेलेबल है अराउंड सेवन हंड्रेड का पड़ेगा आपको ये क्रैश कोर्स बट विद इन टेन डेज़ यू विल बी कवरिंग द फुल कॉम्पोनेंट ऑफ आई एन एफ एस एंड इट विल बी कवर्ड बाय सुरेंद्र सर सो लेट्स स्टार्ट विद दी ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स सो सबसे पहले बात करते हैं हम ए टी एम की ए टी एम्स को इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था बिकॉज ऑफ़ द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर सी रंगराजन इन्होंने बोला कि इंडिया में ए टी एम सेटअप करने चाहिए ए टी एम का जो सेटअप करने का कॉस्ट है वो ब्रांच सेटअप करने से काफ़ी ज़्यादा कम है ट्रांजेक्शन करने का जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम रहता है तो आप ए टी एम में जाके अब पैसे जमा भी करवा सकते हैं आप तो विद्रॉल भी हो जाता है कैश डिस्पेंसर से डिफरेंट रहता है कैश डिस्पेंसर रहता है इज एन ए विदाउट अ डिपॉजिटरी ठीक है और कैश डिस्पेंसर से हम सिर्फ कैश विड्रॉल्स कर सकते हैं तो कैश डिस्पेंसर में ए टी एम के कुछ लिमिटेड फंक्शन रहते हैं बेसिकली इसमें से सिर्फ कैश विड्रॉ किया जा सकता है ठीक है ए टी एम्स के कुछ टाइप्स होते हैं मॉडल्स होते हैं जिसमें सबसे पहले है ऑनलाइन मॉडल ऑनलाइन मॉडल में क्या होगा ए जो होगा वो बैंक के डाटा बेस के साथ कनेक्टेड रहेगा और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करेगा अकाउंट्स का तो इसे ऑनलाइन बोला जाता है इनमें बेसिकली डेली विड्रॉल की लिमिट सेट कर दी जाती है बैंक की के द्वारा कि आप इतना ही विड्रॉल कर सकते हैं और एटीएम स्विच जो है वो लिमिट को मॉनिटर करता है तो ऑनलाइन वाला एटीएम मॉडल क्या है एटीएम बैंक के डाटा बेस से कनेक्टेड है ऑफलाइन में क्या होगा एटीएम बैंक के डाटा बेस से कनेक्टेड नहीं है इसीलिए इसे ऑफलाइन बोला जाता है इन मॉडल्स में एक प्रीफिक्सड लिमिट्स होती है कि आप इतना ही पैसा विद्रॉ कर सकते हैं फर्क नहीं पड़ता आपके अकाउंट में एक लाख है दस लाख है एक करोड़ है लिमिट होगी कि इन ऑफलाइन एटीएम से मैक्सिमम इतना ही पैसा विद्रॉ करवाया जा सकता है देन है नेटवर्कड एटीएम। नेटवर्कड एटीएम के अंदर एटीएम जो होगा आपका वो एटीएम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो कार्ड होल्डर है वो अपना एटीएम कार्ड किसी भी नेटवर्क एटीएम के पास जाके यूज़ कर सकता है इससे एनी वेयर एनी टाइम बैंकिंग हो सकती है इंडिया में अभी जो मेजरली ए हैं वो सारे नेटवर्कड ए हैं नेटवर्क कैसे है थ्रू नेशनल फाइनेंशियल स्विच ऑपरेटेड बाई दी एनपीसीपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू तो अभी क्या होता है आपका अकाउंट चाहे आईसीआईसीआई में है चाहे आपका करोड़ वैश्य में है चाहे आपका यूनियन बैंक में है लेकिन सब जो है आप अपने अकाउंट से किसी भी एटीएम पे जाके पैसे विद्रॉ कर सकते हैं क्योंकि नेटवर्क ए टी एम है सारे एटीएम एक एटीएम नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है तो ये बेसिकली हमारे पास तीन मॉडल्स हैं अब एटीएम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है आपको पैसे डिपॉज़िट uh, करने हैं चेक डिपॉज़िट करना है कैश विड्रॉल करना है बैलेंस की इंक्वायरी पता करनी है स्टेटमेंट निकालनी है uh, और पिन आपको अगर चेंज करना है अब तो काफ़ी एक्स्ट्रा सर्विसेज़ जैसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है यूटिलिटी बिल पे करना है आपको मोबाइल रिचार्ज करवाना है ये सारी चीज़ें जो हैं ए टी प्रोवाइड रहती हैं आपको अपनी को यूज़र को डिटेल्स अपडेट करनी है आधार अपडेशन करनी है ये सारी सर्विसेज ए आपको प्रोवाइड करता है तो काफ़ी इलाबोरेट फंक्शंस हैं बेसिक जो ए के थ्रू आप कर सकते हैं अब ए के कुछ फर्दर टाइप्स हैं जैसे कि वाइट लेबल ए टी वाइट लेबल ए क्या होते हैं इन्हें सेटअप करना इनकी ओनरशिप और इनका ऑपरेशन नॉन बैंक्स करते हैं जो बैंक्स नहीं है वो करते हैं इन्हें वाइट लेबल एटीएम क्यों बोला जाता है क्योंकि जो एटीएम होता है ना उस पर किसी भी बैंक की ब्रांडिंग साइनेज uh, नहीं होती है इसलिए इसे वाइट लेबल ए बोला जाता है जनवरी दो तक इंडिया में चार नॉन बैंक ए ऑपरेटर्स हैं इंडिया वन पेमेंट्स टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशंस, हिताची पेमेंट सर्विसेज एंड वक्रांजी ये ऑथराइज हैं कि ये वाइट लेबल ए को इंस्टॉल कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं ये चार ही हैं तो इनके नाम आप याद कर सकते हैं आर ने सबसे पहले वाइट लेबल ए की गाइडलाइंस 2012 में जारी की थी ताकि बैंकिंग सर्विसेज को एक्सपैंड किया जा सके इंडिया में ठीक है जो वाइट लेबल ए ऑपरेटर है उसे कोई भी फीस नहीं मिलती है ईश्वर बैंक से अदर देन दी इंटरचार्ज फी पेबल टू दी एक्वायर बैंक अंडर द प्रेजेंट बैंक ओन्ड ए टी एम सिनारियो ठीक है तो कुछ इनको बेसिक चार्जेस मिलते हैं उसके अलावा नहीं ले सकते हैं और किसी भी एक बैंक का यहां पे लोगो नहीं होता है जहां पे जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो हार्डवेयर ओन करेगा और एटीएम को लीज पे दे देगा बैंक्स को ठीक है कि किसी और की ओनरशिप है हार्डवेयर की लेकिन वो इन कुछ बैंक्स को एटीएम लीज पे दे देगा तो सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ए को मेंटेन करके रखेगा लेकिन जो स्पॉन्सर बैंक होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कैश मैनेजमेंट करेगा कनेक्टिविटी ऑफ द ए को बैंकिंग नेटवर्क से कनेक्ट करवाना है उसका काम किसका होगा स्पॉन्सर बैंक का होगा जो लीज पे लेगा जिसका ओनरशिप है हार्डवेयर को लेके वो ये ध्यान रखेगा कि मेंटेनेंस है या नहीं ए की तो इन्हें बोला जाता है ब्राउन लेबल ए फिर एक टाइप आता है आगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है अपार्ट फ्रॉम ए टी एम्स कैश रीसाइकलर कैश रिसाइकलर मशीन क्या होती है एक सेल्फ सर्विस टर्मिनल होता है जहाँ पे आप पैसे जमा करवा सकते हैं और विड्रॉ करवा सकते हैं इसमें करेंसी की जेन्युननेस भी इंश्योर होती है इन जो कैश लाइक साइक्ल में काउंटर फीट नोट्स को भी रिकोगनाइज कर लिया जाता है और कैश आप डिपॉजिट कैसे करवाते हो आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए और कार्डलेस ट्रांजेक्शन कितनी अलाउड है दिन में बीस हज़ार तक की तो एक और टाइप की मशीन है कैश रिसाइकल्स फिर होता है कियोस्क बैंकिंग कियोस्क बैंकिंग क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क होता है एक कंप्यूटराइज्ड uh, बॉक्स होता है स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हेल्प होती है यूजर्स को कि वो कुछ भी इंक्वायरी करना चाहें प्रिंटिंग या कोई ट्रांजेक्शन करना चाहें वो ऐसे कियोस्क डब्बा सा बना होता है उसके थ्रू आप कर सकते हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है जैसे एयरपोर्ट मॉल्स वगैरह होते हैं वहां पे कियोस्क को रखा जाता है ताकि वो अपनी बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकें और अनमैंड होते हैं कोई पर्सन नहीं होता है वहाँ पर खड़ा आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है आप मशीन पर जाके बेसिक ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं डैश ए टी एम्स अ सर्विस प्रोवाइडर ओन्स द हार्डवेयर एंड लीज इजी टू बैंक कैश मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर बैंक हुज ब्रांड इज यूज ऑन द ए टी एम तो इसमें क्या हो गया हार्डवेयर किसी और का होगा और ये किसी स्पॉन्सर बैंक को प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो इसे लीज पे लेगा ए टी एम को इसमें कैश मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है स्पॉन्सर बैंक की है स्पॉन्सर बैंक का ही नाम वहां पे डिस्प्लेड होगा तो ये टाइप के एटीएम कौन से होते हैं ब्राउन लेबल एटीएम, व्हाइट लेबल पे तो किसी का भी ब्रांड नेम नहीं होता ब्राउन लेबल में लीजिंग होती है इक्विपमेंट की और जो स्पॉन्सर बैंक होगा उसी का वहां पे लेबल लगा होता है ATM. आगे अब हम देखते हैं कैश डिपॉजिट मशीन कैश डिपॉजिट मशीन जो है ये कस्टमर्स को अलाउ करती है कि वो मनी डिपॉजिट कर सकें अपना अकाउंट नंबर यूज करके या डेबिट कार्ड यूज करके ठीक है सीडीएम का एक मेन फीचर क्या है कि आपका जो पैसा है वो इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाता है ठीक है इंस्टेंटली किसी भी टाइम पे कभी भी आप कर सकते हैं इंस्टेंटली पैसा आप जब डिपॉजिट कराते हैं आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है ठीक है इसके अलावा आर बी गाइडलाइंस बोलती हैं कि अगर कस्टमर को पैसा जमा करवाना है और उसका पैन कार्ड नंबर बैंक के पास रिकॉर्डेड नहीं है तो वो मैक्सिमम फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ पर अकाउंट पर डे जमा करवा सकता है ये लिमिट है ठीक है अगर आपको फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी से के से ज्यादा पैसे अगर आपको पर डे जमा करवाने हैं तो पैन नंबर आपका बैंक के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए तो इसके नाम में ही है कैश डिपॉजिट मशीन यानी के जिसके थ्रू कैश डिपॉजिट किया जा सकता है ठीक है अगले हैं क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आमतौर पर सब लोग यूज करते ही है छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसपे नाम लिखा होता है कार्ड नंबर लिखा होता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर ठीक है और अकाउंट होल्डर का जो है बेसिक uh, उस पर लिखा होता है कि एक्सपायर कब होगा ये क्रेडिट कार्ड वैलिडिटी कब तक है ठीक है तो वो सारा कुछ लिखा होता है स्पेसिमन सिग्नेचर भी रहते हैं रिवर्स पे क्रेडिट कार्ड के स्पेसिमन सिग्नेचर भी रहते हैं पर्सन के जिसका अकाउंट है तो जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसके पास ऑप्शन क्या रहता है मान लो एक तारीख से लेके कर तीस तरीक तक मेरा एक साइकिल है क्रेडिट कार्ड का तो मैंने एक से तीस तक यूज़ किया मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है एक लाख रुपये और मैंने कितना पैसा यूज़ किया इसमें से सत्तर हज़ार रुपये मैंने यूज़ कर लिया क्रेडिट कार्ड का तो मेरे पास एंड ऑफ द मंथ ये ऑप्शन होगा कि या तो मैं पूरा का पूरा सत्तर हज़ार का बिल पे कर दूं या फिर मैं कुछ मिनिमम पेमेंट वो भी बैंक बताएगा कि मिनिमम पेमेंट कितनी है मान लो मिनिमम पेमेंट है दस हज़ार की कि मैं दस हज़ार अभी पे कर दूं बाकी का साठ हज़ार मैं धीरे धीरे आगे जाके पे कर दूं मंथली इंस्टॉलमेंट पे लेकिन अगर मैं किश्तों में आगे पे करती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट चार्ज पे करने पड़ते हैं क्रेडिट कार्ड पर लेकिन इससे सिमिलर कॉन्सेप्ट है चार्ज कार्ड का चार्ज कार्ड में भी जो है आप अमाउंट पे कर खर्च कर सकते हैं और पे बाद में कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको हर मंथ के एंड पे स्टेटमेंट आने पे पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड में क्या ऑप्शन था आपके पास मिनिमम पेमेंट का लेकिन चार्ज कार्ड्स में जब एक बार आपने खर्चा कर दिया तो फिर आपको सारा का सारा पेमेंट एक साथ करना पड़ता है इसमें क्रेडिट कार्ड जैसे आ, स्पेंडिंग लिमिट नहीं होती है जितना भी आप खर्च करते हैं आपको एक साथ बाद में पे करना पड़ता है चार्ज कार्ड्स के सीन में उसके बाद बात करते हैं स्मार्ट कार्ड्स की स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं ये फिजिकल कार्ड्स होते हैं जिनमें इंटीग्रेटेड चिप होती है जो सिक्योरिटी का, का काम करती है ठीक है ये स्मार्ट कार्ड जो हैं ये इंक्रिप्शन यूज करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फॉर इन मेमरी इंफॉर्मेशन तो इनके अंदर माइक्रोचिप होता है या माइक्रो प्रोसेसर होता है जिससे कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन की जा सकती हैं जब उसे स्मार्ट कार्ड रीडर के साथ यूज़ किया जाए आपका स्मार्ट कार्ड है उसके अंदर आपके इंक्रिप्टेड डेटा होता है मेमोरी चिप होती है और एक स्मार्ट कार्ड रीडर्स के साथ जब आप उसे यूज़ करते हैं तो फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं ठीक है इसी में है ई एम वी कार्ड्स ई एम वी कार्ड्स क्या होते हैं यूरोपे मास्टर कार्ड वीजा ठीक है ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है फॉर इंटर ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड जिसे हम चिप कार्ड या आईसी कार्ड भी बोलते हैं फॉर ऑथेंटिकेटिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन अगर आपका ई एम वी कार्ड है तो आपकी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो ट्रांजेक्शन है वो ऑथेंटिकेट हो जाती हैं ईजीली ठीक है तो ये एक जॉइंट एफर्ट है कि ग्लोबल लेवल पे इंटर ऑपरेबिलिटी रहे कार्ड्स की कार्ड आपका इंडिया में भी यूज हो रहा है अमेरिका में भी यूज हो रहा है वाई बिकॉज ऑफ दिस चिप बेस्ड पेमेंट कार्ड्स ग्लोबल ट्रांजेक्शन में ये हेल्प करते हैं इसके अंदर ही ई कार्ड में क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड्स होते हैं इनमें भी चिप्स रहती हैं ओके okay? फिर है एन एफ सी बेस्ड कॉन्ट्लेक्स टैप एंड गो कार्ड्स आजकल आप कोई ट्रांजेक्शन करने जाते हैं वो पूछते हैं कि टैप हो जाएगा क्या आपका कार्ड उसमें क्या होता है आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो एन एफ सी यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है कि दस सेंटीमीटर तक जो है शॉर्ट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज हो जाता है कि आपको कार्ड स्वाइप नहीं करना है आपने सिर्फ मशीन पे आप ऐसे होवर ऊपर घुमाते हो या फिर सिर्फ टच करवाते हो टैप करवाते हो और आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है एन एफ सी इनेबल्ड स्मार्ट कार्ड कैन ट्रांजेक्ट वायरलेस विदाउ विद एन एन एफ सी इनेबल्ड पीओ एस तो आप क्या गे? आपने सामान खरीदा शॉपिंग करी और आपने कार्ड पे सिर्फ टैप कर दिया या ऊपर आप लेके जाते हैं तो फिर ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाती है इन्हें कॉन्टेक्ट या फिर टैप एंड गो कार्ड्स भी बोला जाता है सिंपली टैप किया और आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है काफी जल्दी तो ये यूज क्या करते हैं अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि आजकल जो कॉन्टेक्ट लेस या फिर टैप एंड गो कार्ड्स आए हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं दस सेंटीमीटर तक का शॉर्ट डिस्टेंस इसमें कवर रहता है फिर आते हैं मेंबर कार्ड्स मेंबर कार्ड्स तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेंबर जो होते हैं किसी क्लब के उन्हें फिर ये कार्ड मिल जाते हैं चेन ऑफ होटल्स के कोई मेंबर्स हैं उन्हें उन वो आपको कार्ड देंगे और वहीं पे ये कार्ड ज्यादा यूज होता है जैसे कि ताज कार्ड है इसे ताज ग्रुप जो है वो अपने अच्छे जो कस्टमर्स हैं उन्हें देता है तो ये जो कार्ड है ये सिर्फ उनके होटल्स में ही यूज होते हैं लेकिन ऑब्वियसली जो वो कार्ड होल्ड करते हैं उन्हें फिर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलते हैं सर्विसेज लेने पे ठीक है तो उस ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे उन्हें ही वो कार्ड मिलता है और उन्हीं के रिलेटेड जो एरियाज़ हैं जैसे होटल वालों ने कहा तो उसी होटल में यूज़ होगा अगर नायका का, का कार्ड है तो सिर्फ नायका पे यूज़ होगा अमेजोन का कार्ड है अमेजोन पे यूज़ होगा ठीक है कि पर्टिकुलर किसी क्लब के अगर आप मेंबर हैं तो मेंबर्स को जो कार्ड दिए जाते हैं वो मेम्बर्स कार्ड है ठीक है फिर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी फीचर्स फॉर कार्ड वन ऑफ द प्राइमरी फीचर्स ऑफ द स्मार्ट कार्ड इज सिक्योरिटी टू प्रिवेंट कार्ड रिलेटेड क्राइम्स एंड फ्रॉड्स जो आपके स्मार्ट कार्ड रहते हैं उसमें काफी सारे सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं ठीक है और ये जो तो चिप्स होते हैं स्मार्ट कार्ड के अंदर ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं ठीक है स्मार्ट कार्ड हैज डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ स्टोरेज ऑफ कैश फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस देयर मे बी अ यूनिक पिन फॉर ईच पॉकेट मीनिंग दैट अ स्मार्ट कार्ड मे हैव मल्टीपल पिन एक स्मार्ट कार्ड के मल्टीपल पिन भी हो सकते हैं इसके अलावा पिन फैसिलिटी के अलावा स्मार्ट कार्ड में कुछ और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी फ़ीचर्स भी हो सकते हैं जैसे कि डायनेमिक सिग्नेचर वेरिफिकेशन फिंगर वेरिफिकेशन वॉइस रिकोगनेशन सिस्टम हैंड जोमेट्री रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन वेन रिकोगनेशन विजुअल रिकोगशन तो ये सारे फीचर्स जो हैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एड करते हैं आपके स्मार्ट कार्ड में फिर बात आती है डिजिटल वॉलेट या फिर आपकी ई वॉलेट ई वॉलेट या डिजिटल करने में हेल्प करते हैं जो भी आपके डिजिटल वॉलेट्स हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं ठीक है ये आपको ये भी फैसिलिटेट करते हैं कि जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन है बैंक अकाउंट की वो भी वॉलेट में स्टोर हो और आपको बार बार इन्फॉर्मेशन भरने की ज़रूरत ना पड़े ऑनलाइन पेमेंट के टाइम के ठीक है तो इट फसिलिटेट स्टोरेज ऑफ एंटायर इन्फॉमेसन ऑफ़ योर बैंक अकाउंट एंड रिड्यूस द नीड टू एंटर अकाउंट डिटेल्स एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट पे बार बार आपको फिर इन्फॉमेसन भरने की ज़रूरत नहीं रहती है अगर आप डिजिटल वॉलेट यूज़ करते हो तो अगर मैं पे यूज़ कर रही हूँ तो क्या होता है अगर मैंने अपना पे का जो नंबर है वो ऑलरेडी अमेजोन की ऐप पे भर रखा है तो मैं क्या करूँगी आई वॉन्ट टू पे थ्रू पेटीएम तो पेटीएम से पे करते हुए मेरा सिर्फ वहां पर पेटीएम का नंबर होगा और ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाएगी मुझे बार बार अकाउंट डिटेल्स आई कोड ये सब भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ज़्यादातर ऐसी जो ई वॉलेट्स हैं इन्हें हमें डाउनलोड करना पड़ता है अपने फोन में फिर उन्हें अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है ठीक है तो अलग से वॉलेट में आप पैसे भी डाल सकते हैं वॉलेट को अपने बैंक अकाउंट से भी लिंक कर सकते हैं जैसे पेटीएम वगैरह को आप करते हैं लिंक वो सब क्या है डिजिटल वॉलेट्स है फिर बात करते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक uh, है इस के अंदर लास्ट ईयर इसमें से पेपर भी आया था तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं ये आपको फैसिलिटेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल करने के लिए आपको रेमिटेंस करनी है पैसे की वो भी आप कर सकते हैं तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ वैल्यू स्टोर्ड होती है पी प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बैंक्स भी इशू कर सकते हैं नॉन बैंक्स भी इशू कर सकते हैं जैसे जो आपका गूगल पे है ये क्या है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो एस बी आई का योनो you know है वो क्या है वो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो आपका एच का पेज ऐप है वो भी एक पी प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी है तो इन्हें बैंक्स और नॉन बैंक्स दोनों इशू कर सकते हैं गूगल पे तो गूगल का है ना तो वो कोई बैंक तो नहीं है लेकिन फिर भी वो एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देते हैं जो भी आपका बैलेंस होता है उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है अगर आप पेटीएम के अंदर पैसे डाल के रखते हो उस पर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है ठीक है पीपीआई जो है ये किस फॉर्म में हो सकते हैं कार्ड की फॉर्म में वॉलेट की फॉर्म में हो सकते हैं ठीक है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का एक्सेस प्रोवाइड करे उसके अमाउंट का एक्सेस प्रोवाइड करे पी पी एज इन द फॉर्म ऑफ पेपर वाउचर्स कैन नॉट बी इशू पेपर वाउचर्स के फॉर्म में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू नहीं किया जा सकता प्रीपेड क्या है कि पहले ही आप उसके अंदर पैसा लोड करते हैं ठीक है तो पीपीएस जो होते हैं इनकी मिनिमम ना एक साल की वैलिडिटी होती है लास्ट रीलोड से लेके जब आपने लास्ट उसमें पैसा लोड किया उससे लेके अगले एक साल तक आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वैलिड रहता है ठीक है जो इशअर है वो खुद चाहे अपनी मर्जी से ज़्यादा टाइम की वैलिडिटी भी प्रोवाइड कर देता है लेकिन मिनिमम एक साल तक वैलिड रहता है ओके okay? और जब भी कोई आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करता है इश्यूअर वो आपको बताएगा कि ये कब एक्सपायर होगा वो आपको तब के तब बताएगा ठीक है अगर पीपीए के अंदर लगातार एक साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो आपका पीपीआई इनएक्टिव हो जाएगा पीपीआई होल्डर को नोटिस भेजा जाएगा कि आपने एक साल हो गया आपने इसको यूज़ नहीं किया है तो हम इसे इनएक्टिव कर रहे हैं उसे फिर दोबारा वैलिडेट करके ड्यू डिलीजेंस करके रीएक्टिवेट करना पड़ता है आपने देखा पेटीएम अगर पड़ा होता है यूज़ ना करो कई टाइम यूज़ ना करो गूगल पे यूज़ ना करो तो क्या हो जाता है वो फिर आ जाता है कि आपको दोबारा से ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी वैलिडेशन करनी पड़ेगी कि आपका तो एक्सपायर हो गया ये ठीक है इनवैलिडेट हो गया अब कुछ टाइप्स ऑफ पीपीआईज आते हैं जिसमें से है क्लोज सिस्टम पीपीआईज क्लोज सिस्टम पीपीआईज के होते हैं कि ये जो एंटिटी इशू करती है आपको ठीक है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लो पीपीआई यूज करके आप सिर्फ उस एंटिटी से ही गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हो दीज पी पी आईज आर इशूड बाई एन एंटिटी फॉर फैसिलिटेटिंग द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दैट एंटिटी ओनली जिसने ये पी पी आई इशू किया उससे ही आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हो इस पी पी आई से कैश विदड्रॉल्स अलाउड नहीं होते हैं किसी और थर्ड पार्टी सर्विसेज की पेमेंट के लिए आप इन पी पी आईज को यूज नहीं कर सकते हो और ऐसे पी को इशू करने के लिए आपको आर का अप्रूवल या ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है एंड ऐसे पी ना ही रेगुलेटेड होते, है, होते हैं ना ही सुपरवाइज होते हैं आर के द्वारा क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड फंक्शनिंग है जिसने इशू किया उसी से आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ कर सकते हो ऐसे होते हैं क्लोज सिस्टम पी फिर कुछ पी हैं जिनके लिए आपको आर के अप्रूवल या ऑथराइजेशन की ज़रूरत है पहला आता है स्मॉल पी या जिनको मिनिमम डिटेल्स पी भी बोलते हैं इन्हें बैंक या नॉन बैंक इशू कर सकते हैं आपकी बहुत ही मिनिमम डिटेल्स लेके ठीक है ये पी जो हैं ये भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए इशू होते हैं कुछ क्लियरली आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशंस या इस्ट इस्टबलिशमेंट्स uh, होते हैं जिनका ईश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है ठीक है ईश्वर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा मर्चेंट से कि ठीक है हमारा जो पीपीआई है वो आपकी आपके इस्टेब्लिशमेंट्स में यूज हो पाएगा ठीक है ऐसे पीपीआई से फंड ट्रांसफर या कैश विदड्रॉल अलाउड नहीं है ऑनलाइन ठीक है आपने पेमेंट किया गुड सर्विसेज खरीदे लेकिन इनको यूज करके आप कैश विदड्रॉल नहीं कर सकते हो ठीक है अब ये small PPIs भी ना दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं फैसिलिटी no तो जिसमें कैश लोडिंग अलाउड है उन्हें चौबीस महीने के अंदर अंदर फुल केवासी पीपीआई में कन्वर्ट करना रहता है दूसरे होते हैं नो कैश लोडिंग फैसिलिटी ठीक है no फिर आते हैं फुल केवा सी फुल केवा सी इन्हें भी बैंक नॉन बैंक इशू करते हैं लेकिन फुल प्रॉपर केवाई सी करने के बाद ऐसे पीपीएस जो होते हैं इनसे चाहे आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदो चाहे आप फंड ट्रांसफर करो चाहे आप कैश विदड्रॉल करो सब कुछ अलाउड है क्योंकि फुल केवाईसी हो चुका है अब हम दोबारा आते हैं स्मॉल पी पे ठीक है जब हम एक स्मॉल पीपीआई लेना चाहते हैं तो बेसिकली क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है एक तो मोबाइल नंबर जो कि आपके ओ के थ्रू वेरीफाई होता है फुल केवा में तो सारा केवाई होगा जो मिनिमम डिटेल्स केवा सी हैं उनमें पहली बात तो आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होगा ओ के थ्रू सेल्फ डिकलरेशन होगा नेम का आपकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगेगा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का या ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का ठीक है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपका पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी कार्ड नरेगा जॉब कार्ड प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार कार्ड या फिर लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लगा के आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे नेम का एक डॉक्यूमेंट लगेगा और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा और आप स्मॉल पी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फुल के में तो जैसे प्रॉपर के होता है अकाउंट खोलते समय वैसा के होता है ठीक है स्मॉल पी जो है ये रीलोडेबल हैं जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं इसमें भी कैश लोडिंग फैसिलिटी पीपीआईज अप टू टेन थाउजेंड वाले में क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके पीपीआईज जो टेन थाउजेंड तक की लिमिट वाले हैं जिसमें कैश लोडिंग अलाउड है ठीक है तो उसमें जो अमाउंट आप लोड करते हो उस इंस्ट्रूमेंट में वो दस हजार से ज्यादा का नहीं होना चाहिए है पूरे साल के अंदर मैक्सिमम जो आप अमाउंट उसमें लोड कर सकते हैं सारी ट्रांजेक्शन मिला के एक लाख बीस हज़ार तक कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है पीपीआई में वो दस हज़ार से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए अमाउंट जो डेबिट होगा एक महीने में आपके पीपीआई से जो पैसे कटेंगे मैक्सिमम दस हज़ार हो सकता है ठीक है ऐसे पीपीआई इसको जिसमें कैश लोडिंग होती है वो चौबीस महीने के अंदर अंदर फिर आपको फुल के पीपीआई में कन्वर्ट करने पड़ते हैं तो आप जो कैश लोडिंग रीलोडिंग करते हो वो बाय uh, कैश या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी उनमें पैसा लोड हो सकता है फिर आते हैं ऐसे पी जिनमें कैश लोडिंग अलाउड नहीं है ठीक है इसमें भी अमाउंट लोडेड शाल नॉट एक्सीड टेन थाउजेंड मैक्सिमम जो पूरे साल में अमाउंट लोड होता है इट इज वन लेख ट्वेंटी थाउजेंड किसी भी टाइम पे दस हजार से ज्यादा का अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए जो इसमें लोडिंग रीलोडिंग होती है वो एक बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड या फुल के पीपीआई के थ्रू ही होती है ठीक है और जितने भी स्मॉल पीपीआईज हैं विद कैश लोडिंग फैसिलिटी एज ऑन डिसेम्बर 24 2019 कैन बी कन्वर्टेड टू दिस पीपीआई इफ डिजायर्ड बाय द पीपीआई होल्डर जो कैश लोडिंग फैसिलिटी वाले पीपीआई हैं वो अपने आप को विद नो कैश लोडिंग फैसिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पीपीआई होल्डर चाहे ठीक है कैश विड्रॉल या फंड ट्रांसफर अलाउड नहीं होता है स्मॉल पीपीआई के अंदर वो सिर्फ फुल केवाईसी वाले पीपीआई के अंदर अलाउड होता है कि आप कैश विड्रॉल कर सकें या फंड ट्रांसफर कर सकें ठीक है तो एक हमारे पास क्लोज्ड हो गया पीपीआई जिसको आरबीआई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है फिर हो गए स्मॉल पीपीआई ठीक है इसमें दो टाइप्स होते हैं विद कैश लोडिंग फैसिलिटीज विद नो कैश लोडिंग फैसिलिटी फिर होते हैं फुल केवासी पी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो फुल केवासी पीपीआई होते हैं ये रीलोडेबल होते हैं बार बार आप इसमें पैसा लोड कर सकते हैं लेकिन किसी भी टाइम पे अमाउंट आउटस्टैंडिंग दो लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए पीपीआई में दो लाख से ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए जितने मर्जी अमाउंट डेबिट करो जितनी मर्जी बार क्रेडिट करो कोई इसके अंदर लिमिट नहीं है तो आप चाहे गुड्स परचेज करो चाहे आप कैश विदड्रॉल करो चाहे आप फंड ट्रांसफर करो कुछ भी आप कर सकते हो फुल केवा पीपीआई से फिर एक और प्रकार आता है गिफ्ट पीपीआई का आपने किसी को पीपीआई दिया पैसे लोड करके आपने किसी को गिफ्ट दे दिया तो ऐसे जो गिफ्ट इंस्ट्रूमेंट हैं इनमें दस हज़ार से ज़्यादा की वैल्यू नहीं होती है ये रीलोडेबल नहीं होते हैं इनमें दोबारा से पैसा लोड नहीं किया जा सकता है और कैश आउट फंड ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है कि कोई गिफ्ट पीपीआई पी से फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाए वो भी अलाउड नहीं है ठीक है लेकिन हाँ अगर आपने गिफ्ट पीपीआई पी में पैसा ट्रांसफ़र किया आप फिर उसको कैंसिल करना चाहते हो कि जहाँ से पैसा आया था वहाँ दोबारा चला जाए तो विद द कंसेंट ऑफ पीपीआई होल्डर दोबारा से सोर्स अकाउंट में पैसा चला जाता है ठीक है मैंने अगर किसी को गिफ्ट कार्ड दिया या मैंने गिफ्ट कार्ड में पैसा ट्रांसफर किया मैंने सोचा नहीं नहीं कैंसिल करते तो वो दोबारा से सोर्स अकाउंट में पैसा आ सकता है ठीक है इन्हें रीवैलिडेट भी किया जा सकता है पीपीए होल्डर की रिक्वेस्ट पे इसके अंदर एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन अलाउड मैंडेटरी नहीं है ठीक है गिफ्ट पीपीएस की जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनमें एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फिर आते हैं पीपीआई एम ठीक है पीपीआई एम क्या है मास ट्रांजिट सिस्टम्स के लिए जो पीपीआई बने हैं आपने देखा है जब आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो आपका कार्ड बनता है दिल्ली मेट्रो का जिसमें आप पैसे डलवा सकते हो निकलवा सकते हो निकलवा निकलवा तो नहीं सकते पैसे आप उसमें लोड कराते हो ताकि आप जब भी बार बार मेट्रो में ट्रैवल करो आपको बार बार कैश ना देना पड़े कैश वाली लाइंस तो बड़ी लंबी होती हैं तो ये भी एक प्रकार के पीपीआई एम टी एस होते हैं जिन्हें इशू कौन करता है एम टी एस ऑपरेटर मास ट्रांजिट सिस्टम ऑपरेटर इन्हें इशू करते हैं ठीक है apart from the MTS, these PPIs can be used only at merchant whose activities are allied related to or carried on within the premise of the transit system. to ऑफ lo ye bol तो hain ki ये बोल रहे हैं कि अगर jo maine दिल्ली मेट्रो का जो मैंने कार्ड लिया है पेमेंट वाला वो सिर्फ वहीं यूज हो सकता है एक तो ट्रांज़िट के लिए यूज हो सकता है या फिर उसी ट्रांज़िट के अंदर उसी ट्रांज़िट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए ही यूज़ हो सकता है ये भी रीलोडेबल होता है ठीक है बार बार आप पैसा उसमें जमा करवा सकते हो मैक्सिमम उसमें कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो सकता है तीन हजार रुपए इससे ज्यादा का अमाउंट उसमें नहीं डल सकता है कैश आउट रिफंड फंड ट्रांसफर ये सब कुछ पीपीआई एमटीएस में अलाउड नहीं होता है ठीक है इसमें भी कोई भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं यूज होती आप जाते हो मेट्रो स्टेशन पे आपने ऐसे किया आ, रखा कार्ड स्वाइप हुआ आप अंदर चले गए फिर बाहर आए फिर स्वाइप किया आपके अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं आपके पीपीआई जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें से पैसे कट जाते हैं ठीक है तो ये पी पी भी एक प्रकार का अलाउड है फिर बात करते हैं टेली बैंकिंग की टेली बैंकिंग सिंपल है बहुत ज़्यादा इसे बोलते हैं टेलीफोन बैंकिंग ये एक सर्विस है जो बैंक प्रोवाइड करता है या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें कस्टमर जो है फ़ोन पे बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर लेता है जिनमें कैश वगैरह या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है एटीएम जाने की जरूरत नहीं है फ़ोन के थ्रू जो आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो वो टेली बैंकिंग के अंडर आती हैं फिर आता है ई कॉमर्स ई e कॉमर्स का क्या मतलब है जब आप कुछ भी खरीदते बेचते हो इंटरनेट के द्वारा ठीक है एंड 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 द द द द द ट्रांसफर ऑफ ऑफ मनी डाटा टू कंप्लीट कंप्लीट सेल्स ई कॉमर्स इज बाइंग सेलिंग गुड्स वाया इंटरनेट एंड द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड डाटा टू कंप्लीट द सेल्स तो ऑनलाइन जब आप सामान खरीदते बेचते हो वो सारा किसकी कैटेगरी के अंदर आता है ई e कॉमर्स में ई e कॉमर्स दो बिजनेसेस के बीच में भी हो सकती है उसको बी टू भी बोलते हैं बिजनेस कस्टमर को सामान बेच रहा है उसे बोलते हैं बी टू सी बिजनेस गवर्नमेंट के साथ डील कर रही है बी टू जी कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर ओल उस पर एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अगर अपना सामान बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेच सकता है उसे बोलते हैं सी टू सी ठीक है उसके बाद है कंज्यूमर अगर बिजनेस को कुछ सामान बेच रहा है ट्रांजेक्शन कर रहा है कंज्यूमर टू बिजनेस कैशिफाई पे आप अपने पुराने फ़ोन बेच सकते हो तो उसमें क्या है कंज्यूमर बिजनेस को कुछ बेच रहा है कंज्यूमर गवर्नमेंट के साथ डील कर रहा है सी टू जी ठीक है आप गुड्स एंड सर्विस अगर गवर्नमेंट से डायरेक्टली खरीद रहे हैं सी टू जी तो ई e कॉमर्स में वाया इंटरनेट आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं फिर एक चीज आती है एम पिन अभी हम ये जो भी चैप्टर में पढ़ रहे हैं ये है ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स के बिना बैंक जाए आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर पाएं कैसे कैसे कर सकते हैं क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड है वही इस चैप्टर के अंदर है तो अब देखते हैं एम पिन एम पिन का मतलब होता है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर ये चार या छह डिजिट का कोड होता है तो जब भी आपको कोई बैंकिंग ऐप ओपन करनी है पेमेंट करनी है तो आपको ये चार डिजिट का कोड डालना पड़ता है जैसे आप पेटीएम वगैरह खोलते हो तो पहले वो बोलते हैं कि पिन डाल लो गूगल पे खोलते हो कई बार बोलते हैं पिन डालो ये कोड डालो तो वो एम पिन है आपका मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर ये एक तरीके का ऑथेंटिकेशन का काम करता है तो आपको बाकी चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर क्या है मेरा आई कोड क्या है मेरी पर्सनल डिटेल्स क्या है आपको सिर्फ कोड डालना होता है ठीक है तो अभी ना तीन चार टाइप के एक जैसे टर्म्स आते हैं एम पिन एटीएम पिन यूपीआई पिन इनमें डिफरेंस क्या है एम पिन कब यूज होता है अगर आपको मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑथोराइज करनी है एप्स के थ्रू आपको नेफ्ट के थ्रू आईएमपीएस के थ्रू पैसा डालना है तो आप ऐप खोलते हो आप सिर्फ ये पिन डाल लोगे और ऑथेंटिकेट हो जाता है वो एम पिन होता है एटीएम पिन तो आपको पता है कि डेबिट कार्ड से रिलेटेड होता है आपको एटीएम पे जाना है पैसे विद्रॉ करने हैं तो आप एटीएम पिन डाल लोगे यूपीआई पिन कब यूज होता है जब आपको यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करनी है तो उसके लिए यूपीआई पिन यूज होता है एटीएम पिन हमेशा चार डिजिट का होता है एम पिन यूपीआई पिन चार से डिजिट का होता है एम पिन सेटअप कैसे होता है बैंक की ऐप पे जाके ऐप के थ्रू वहीं पे आप अपना पिन सेटअप कर सकते हो चेंज कर सकते हो एटीएम पिन कैसे सेटअप होता है बैंक आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि एटीएम का पिन कैसे सेटअप होगा। यूपीआई का जो पिन है वो भी यूपीआई की जो ऐप है उसके थ्रू सेटअप होता है ठीक है अब अगर आपको एटीएम पिन अपना एटीएम पिन को चेंज करना है तो आप या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू करोगे या एटीएम पे जाके अपना पिन चेंज करोगे लेकिन जो आपका एम पिन है ठीक है वो चाहे आप ए पे बैंक की ऐप पे बैंक की ब्रांच पे जाके कैसे भी चेंज कर सकते हो सब लोग आजकल ऐप पे चेंज करते हैं कोई भी बैंक तो नहीं जाता इन चीजों के लिए यूपीआई का पिन चेंज करना है वो भी यूपीआई की ऐप पे जाके नेट बैंकिंग की ऐप पे जाके हो सकता है ठीक है आप एम पिन कब यूज़ होता है जब आप मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हो बैंक की ऐप यूज़ कर रहे हो आई मोबाइल एच डी एफ सी की ऐप्स हैं उन पे एम पिन लग जाता है ठीक है जब आपको कोई ट्रांजैक्शंस करनी है ऐप से तो फिर आप एम पिन यूज़ करते हो ए टी एम पिन कब यूज़ करते हो आपको ए टी एम जाके पैसे विड्रॉ करने हैं ठीक है बैलेंस चेक करना है तो आप ए टी एम पिन यूज़ करते हैं यूपीआई पिन कब यूज़ होता है UPI पिन तो आपका ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज हो जाता है आपको UPI ऐप आप पे अपना अकाउंट में बैलेंस चेक करना है तो UPI पिन होता है तो ये तीनों सेपरेट होते हैं दे आर नॉट द सेम अब USSD बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस की बात करते हैं ये बहुत चलता है आ, स्टार नाइन नाइन हैश दबाएं स्टार नाइन नाइन हैश दबा के ट्रांजेक्शन करें तो ये जो यूएसएस डी स्टार नाइन एंड हैश बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज है ये इसे एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा तो एनपीसीआई ने बाद में फिर यू भी लॉन्च किया था अपने मेंबर बैंक्स के लिए ठीक है तो यूपीआई के थ्रू क्या होता है कस्टमर पैसा रिसीव भी कर सकते हैं भेज भी सकते हैं अपनी यूपीआई आई यूज करके अब तो फिर यूपीआई जो लेटेस्ट आया है ठीक है जिसमें नॉन इंटरनेट बेस्ड मोबाइल डिवाइसेस से भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं आपको क्या करना है आपका इवन अगर आपका बटन वाला फोन है जिसपे कोई इंटरनेट नहीं है आप क्या करेंगे स्टार नाइन नाइन हैश दबाएंगे और आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इसे बोला जाता है यूएसएसडी टू पॉइंट जीरो आपको सिर्फ ये दबाना है और फिर आप उसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं रिसीविंग एंड सेंडिंग अकाउंट टू अकाउंट फंड्स किसी भी बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है बैलेंस इंक्वायरी करनी है यूपीआई पिन चेंज करना है ठीक है ये सारी ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हो पिछली पांच ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानना है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की थी आपने ठीक है आपको आधार लिंकिंग का स्टेटस जानना है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपना ओवरड्राफ्ट का स्टेटस जानना है ये सारी चीज़ें अब आप सिंपल अपने बटनों वाले फोन से नेट नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है स्टार नाइन नाइन हैश दबाओ और आप यूएसएसटी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग कर सकते हो कि जो गांव में गरीब लोग हैं जिनके पास महंगे वाले फोन नहीं है इंटरनेट का पैसा नहीं है वो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक अच्छा स्टेप है यूएसएसटी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग यूएसएसटी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस इसे एनपी ने इंट्रोड्यूस किया था बिल्कुल सही यू पी आई फॉर नॉन इंटरनेट बेस्ड मोबाइल डिवाइस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डायलिंग ऑप्शन स्टार नाइन नाइन हैश एज यू एस एस डी टू पॉइंट ओ तो जिसको यू पी आई की सर्विसेज लेनी है और कोई इंटरनेट नहीं है आपके मोबाइल में बटनों वाला फोन है तो क्या आप ना स्टार नाइन हैश एज दबा के ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप कर सकते हो ये भी सही है स्मार्टफोन इज नेसेसरी फॉर यूजिंग दिस सर्विस नहीं जरूरत ही नहीं है कि स्मार्टफोनों कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें तो वन एंड टू इसके अंदर करेक्ट है अब बात आत आती है नियो बैंकिंग की नियो बैंकिंग का क्या मतलब होता है नियो बैंकिंग फिनटेक जो फॉर्म होते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले फॉर्म्स हैं वो आपको डिजिटल और मोबाइल फर्स्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि ये जो बैंक्स होंगे ये आपको पेमेंट्स कार्ड डेबिट कार्ड मनी ट्रांसफ़र लैंडिंग सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लेकिन नियो बैंक्स की ना कोई फिजिकल ब्रांचेज नहीं होती हैं आपका अकाउंट आपके मोबाइल डिवाइस पे ही बन जाता है घर बैठे आपने ऐप डाउनलोड करी और आपने जो है अपने मोबाइल से सारा अकाउंट खोल लिया सारी ट्रांजेक्शन आप पे ही कर देते हो कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है ऐसी बैंक्स की ज़्यादातर न्यो बैंक्स क्या करते हैं वो नॉर्मल जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स हैं उनके साथ भी पार्टनर करते हैं काफ़ी सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं पेटीएम पेमेंट बैंक्स हैं फीनो है स्लाइस है ओपन है रिवोल्ट एयरटेल पेमेंट बैंक्स जुपिटर ये सब क्या है ये नियो बैंक्स हैं इनका कोई भी ट्रेडिशनल फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है सब कुछ ऑनलाइन ही रहता है अब पेटीएम पेमेंट बैंक में कहीं बैंक में थोड़े ना जा रहे हो कोई फिजिकल बैंक तो है ही नहीं है सब कुछ कहां पे हो रहा है? हो रहा रहा है 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 ऑनलाइन तो इन्हें बोला जाता नियो ठीक एक क्वेश्चन देख लेते हैं द कमेटी हेडेड डैश सेटिंग अप ऑफ अपीएम इन इंडिया ए करने सेट करने के लिए किसने रेकमेंडेशन दिया था वाई वी रेड्डी सी रंगराजन रघुराम राजन या फिर नन ऑफ दी तो इसका रेकमेंडेशन किसने दिया था सी रंगराजन ने सो बी इज द करेक्ट आंसर वॉट इज अंक नियो बैंक क्या होता है डिजिटल ओनली बैंक दैट ऑपरेट एंटायरली ऑनलाइन विद नो फिजिकल ब्रांचेस ठीक है इसका आंसर क्या है डी चलिए अगला क्वेश्चन है एज पर दरबीआई गाइडलाइंस कस्टमर्स कैन डिपोजिट ओनली अप टू डैश पर अकाउंट पर डे थ्रू सी डी एम इफ नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद द बैंक अगर कैश डिपॉजिट मशीन के थ्रू आपको पैसा जमा करवाना है लेकिन आपका पैन कार्ड नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो आप मैक्सिमम एक दिन में कितना पैसा जमा करवा सकते हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सी फोर नाइन नाइन फाइव जीरो काफी डिफरेंट नंबर है ये है ना या तो फिफ्टी थाउजेंड रख देते या फोर्टी नाइन बीच का रखा है फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी आप जमा करवा सकते हो इससे ज़्यादा करना है तो पैन कार्ड आपको अपना नंबर देना पड़ेगा बैंक के पास अब तो बैंक ले ही लेते हैं आपका पैन कार्ड नंबर ज़्यादातर ठीक है लेकिन ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं जो स्पेशली लोअर इनकम सेगमेंट के हैं जिनके पैन कार्ड नहीं होते हैं ओके okay. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट पीपीआई कैन बी इशूड बाय बैंक्स एंड नॉन बैंक्स तो पीपीआई बैंक्स नॉन बैंक्स दोनों इशू कर सकते हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स कोई इशू नहीं है बिल्कुल सही नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन पीपीआई बैलेंसेस पीपीआई बैलेंस पे कोई भी आपको इंटरेस्ट um, नहीं मिलता है गिफ्ट पीपीआई आर रीलोडेबल ये गलत है गिफ्ट पीपीआई आर नॉट रीलोडेबल तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है वन एंड टू अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ई एफ सिस्टम इसमें से आज हम बेसिक बेसिक पढ़ेंगे जो कुछ रह जाएगा वो फिर हम कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे तो डाटा कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ डाटा दो या दो से ज्यादा जो नेटवर्क या कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनके बीच में जब डाटा एक्सचेंज होता है उसे डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं तो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्या होता है डिजिटल डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है कैसे या तो वायर्ड सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू जो है डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाता है तो ये नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क क्या हो सकता है इंटरनेट एक ऐसे तरीके का नेटवर्क है जिससे कि ग्लोबल लेवल पे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया गया है तो डाटा कम्युनिकेशन हो रही है इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू ठीक है अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टेब्लिश करने के लिए पहले तो ट्रांसमिशन डिवाइस चाहिए इंटरफेस इक्विपमेंट चाहिए कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए भी कुछ ट्रांसमिशन डिवाइसेस चाहिए कुछ इंटरफेस के लिए इक्विपमेंट चाहिए होती हैं ठीक है ठीके? तो डाटा ट्रांसमिट होता है कम्युनिकेशन पार्ट्स के थ्रू ठीक है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू जो डाटा है वो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिट होता है ठीक है और नंबर्स वगैरह और कैरेक्टर्स में डाटा कन्वर्ट होकर फिर आपका एक जगह से दूसरी जगह जाता है ठीक है कई बार क्या होता है कि जो डाटा है वो बहुत लंबे डिस्टेंसेस के थ्रू जाना है तो बीच बीच में जो डेटा है उसकी क्वालिटी डिटीरिट ना हो तो सिग्नल्स को एसेंचुएट करना पड़ता है ठीक है और जो डाटा सिग्नल्स हैं उन्हें एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए ठीक है द डाटा डिजिटल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम तो आप जो ट्रांसपोर्ट ट्रांस आ, कम्युनिकेशन करते हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू तो जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उन्हें एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है फिर दोबारा से एनालॉग से फिर से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है तो ये जो कन्वर्जन है डिजिटल टू तो एनालॉग एनालॉग टू तो डिजिटल ये कौन करता है मॉडर्म करता है जिसे मॉड्यूलेटर डी भी बोला जाता है ठीक है क्योंकि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जब डाटा ट्रैवल कर रहा है तो वो किसी और फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है जब आप तक पहुंच के कन्वर्ट होता है तो किसी और फॉर्म में करता है तो डाटा को डिजिटल टू एनालॉग एनालॉग टू डिजिटल करना पड़ता है कौन करेगा वो मॉडर्म करेगा ठीक है अब ये डाटा एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ट्रांसमिशन कैसे होता है मीडियम क्या होता है तो मीडियम होता है टेरेस्ट्रियल केबल्स केबल्स में भी मल्टीपल टाइप्स रहते हैं पहले आती है ट्विस्टेड पेयर केबल्स ये जो है आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब केबल नहीं चलती थी तो सब लोग स्विच निकाल के तारें घुमा घुमा के वो घुमाते क्या थे ये ट्विस्टेड होती है ना इनको और ट्विस्ट करते रहते हैं हम ठीक करने के लिए तो ट्विस्टेड केबल्स यूज हो जाती हैं एज अ ट्रांसमिशन मीडियम ठीक है इसमें क्या होता है इसमें दो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती हैं ठीक है इनमें क्रॉस स्टॉक का रिस्क नहीं होता क्रॉस स्टॉक क्या होती है कि कई बार दो वायर्स का एक एक साथ जो डेटा है डिस्टॉर्ट हो जाए एक का उधर एक का उधर चला जाए तो क्रॉस टॉक का रिस्क नहीं रहता है डेटा की मिक्सिंग नहीं होती है तो वो इससे मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि इंसुलेटेड होती हैं इन ये वायर्स हैं इनके बाहर फिर ऐसे कवर होता है उसके ऊपर फिर वो ब्लैक कवर रहता है ठीक है ये कब यूजफुल होती हैं फॉर कनेक्टिंग टर्मिनल्स टू कंप्यूटर्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ डेढ़ सौ मीटर डेढ़ सौ मीटर तक का अगर कनेक्टिविटी है वहां पे ये यूज हो सकती हैं इनकी कॉस्ट कम होती है इनकी कन्वीनियंस ज्यादा होती है ट्विस्टेड पेयर केबल्स की फिर आती है कोएक्सियल केबल्स कोएक्सियल केबल्स में क्या होता है इनर कॉपर कोर हेल्ड इन पोजीशन बाय सर्कुलर स्पेसर्स ये आपकी कौन सी है ये कोएक्सियल केबल है थोड़ी सी ज्यादा फैंसी है ये ट्विस्टेड पेयर से ठीक है इसमें भी इनर वायर जो है वो इंसुलेटेड होती है प्रोटेक्टेड होती है और इससे भी इंटरफेरेंस ऑफ सिग्नल्स नहीं हो पाता है यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो बहुत हाई रेट पे यानी कि 500 मेगाबिट्स पर सेकंड की जो रेट है उस पर सिग्नल्स कैरी होते हैं फिर आती है ऑप्टिकल फाइबर ये आपका जो एग्ज़ाम्पल है ये ऑप्टिकल फ़ाइबर का है ऑप्टिकल फ़ाइबर के अंदर क्या है जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ट्रांसफ़र करता है टू गीगाबिट्स पर सेकेंड पे। हाई क्वालिटी लो एरर रेट ट्रांसमिशन होता है बहुत हाई स्पीड पे कम एरर के साथ डाटा ट्रांसपोर्ट होता है और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उस उस पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का फ़र्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का फ़र्क नहीं पड़ता है डाटा जो है बहुत ही पतले एक ग्लास या प्लास्टिक फाइबर के थ्रू बीम ऑफ लाइट के थ्रू डाटा ट्रैवल करता है द डाटा ट्रांसफर इज थ्रू अ थिन ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स विद अ बीम ऑफ लाइट उससे ये डा दा, डाटा जो है ट्रैवल करता है बहुत ही हाई स्पीड पर करता है आजकल तो लाइट एमिटिंग डायोड्स बेटर सिक्योरिटी के लिए हमने लाइट एमिटिंग यूज़ करने शुरू कर दिए हैं ठीक है फिर अभी हम क्या देख रहे थे ट्रांसमिशन मीडियम, सबसे पहले क्या था? ट्विस्टेड केबल्स, केबल, फाइबर ऑप्टिकल ये टेरेस्ट्रियल केबल्स के टाइप थे अब हम देख रहे हैं माइक्रोवेव सिस्टम माइक्रोवेव सिस्टम्स भी यूज हो सकते हैं एज ट्रांसमिशन मीडियम तो इसके थ्रू इन सिस्टम्स में डेटा कैसे जाता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स के थ्रू दी सिस्टम यूज हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स यूज इन टेलीफोन एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन द रेडियो वेव्स आर मॉड्यूलेटेड टू कैरी इंफॉर्मेशन इसमें एंटीना वगैरह यूज होते हैं टावर्स पे एंटीनाज लगे होते हैं जो कि वेव बीम सेंड करते हैं फ्रॉम वन एंटीना अलोंग द रूट द रिसीव्ड डाटा इज एम्प्लीफाइड एंड रीट्रांसमिटेड तो एंटीनाज के थ्रू जो है ये रेडियो वेव्स ट्रैवल करती है एंटीना के पास पहुंची उसने उनको एम्पलीफाई किया फिर रीट्रांसमिट किया ठीक है इवन जो माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स तक भी पास ऑन होते हैं तीसरा तरीका है डाटा ट्रांसमिशन का वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो आपको पता ही है कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती हैं ठीक है थेके? उनकी स्पीड और अर्थ की रोटेशन की स्पीड जो है इक्वल रखी जाती है ताकि ऐसा लगे कि वो रिलेटिव टू अर्थ स्टेशनरी है जितनी तेजी से अर्थ घूम रही है वैसी वैसी वो घूम रही तो हमें लगता है कि एक ही पोजिशन पे स्टेशनरी है कंपेयर टू दी अर्थ ठीक है तो यहां पे भी सेटेलाइट पे ट्रांसमीटर्स होते हैं रिसीविंग होते हैं, जिन्हें ट्रांसपोंडर्स बोला जाता है इट लिंक्स टू और मोर माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स रिसीवर ऑन अर्थ नोन एस अर्थ स्टेशन ठीक है ये दो या दो से ज्यादा माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स को लिंक करता है अर्थ पे जो होते हैं उन्हें अर्थ स्टेशन बोला जाता है तो ऊपर क्या है सेटेलाइट धरती पे क्या है सेटेलाइट पे क्या लगा है ट्रांसपोंडर्स और धरती पे क्या है अर्थ स्टेशंस लगे हैं तो एक सिंगल माइक्रोवेव रिले स्टेशन जो होगा वो बहुत ही बड़े जोग्राफिकल एरिया पे सिग्नल सेंड कर सकता है तो जो भी हम अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं ईमेल यूज़ करते हैं उसमें भी ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट यूज होती हैं ठीक है थीके? कोई फ़र्क नहीं पड़ता अर्थ पे स्टेशंस कितने दूर हैं आपस में कितनी दूरी पे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ब्रॉडकास्टिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ स्टेशंस कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे ठीक है ट्रांसमिशन प्रोसेसर्स की बात करते हैं अभी हमने मीडियम की बात करी कि मीडियम क्या होता है केबल्स के थ्रू हो गया सेटेलाइट के थ्रू हो गया माइक्रोवेव के थ्रू हो गया अब बात करते हैं ट्रांसमिशन प्रोसेसर की ठीक है इसमें आता है मैसेज स्विच मैसेज स्विच क्या होता है इट इज यूज फॉर स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा टू अ लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल पे मल्टीपल जो टर्मिनल्स हैं उन उन पे डाटा भेजा जाता है स्टोर्ड एंड फॉरवर्डेड ऑफ डेटा होती है इसके ऊपर यहाँ से डेटा यहाँ तक जाना है तो ये यह यहाँ पे मल्टीपल मैसेज स्विच है यहाँ से यहाँ आ गया यहाँ से आ गया यहाँ से आ गया और फिर डेटा जो है मैसेज स्विच के थ्रू एंड सिस्टम बी पे पहुँचा है तो मैसेज स्विचेस जो होते हैं ये सारे टर्मिनल्स से डेटा लेते हैं उन्हें क्यू में स्टोर करते हैं और एक एक करके ट्रांसमिट करते हैं सीपीओ को यहां से आया सारा डेटा यहां यहां से यहां यहां से यहां ऐसे करके डेटा क्यू में लगा रहता है और वन बाय वन करके सीपीओ के पास डेटा पहुंचता है ठीक है चलिए फिर आता है मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्टर डाटा ट्रांसमिशन में क्या यूज होता है एक तरीका क्या हो सकता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए मैसेज स्विच यूज कर सकते हो दूसरा मल्टीप्लेक्सर यूज कर सकते हो ये इनेबल करता है मोर देन वन सिग्नल टू बी सेंट साइमल्टेनियसली ओवर वन फिजिकल सेशन वन फिजिकल चैनल स्विच में क्या था एक एक करके क्यू में क्यू में लग के डेटा आगे जा रहा था लेकिन मल्टीप्लेक्सर में क्या है मोर देन वन सिग्नल कैन बी सेंट साइमल्टेनियसली ओवर वन फिजिकल चैनल ये कंबाइन करता है इनपुट्स फ्रॉम टू और मोर टर्मिनल्स कंप्यूटर पोर्ट्स और अदर मल्टीप्लेक्सेस एंड ट्रांसमिट्स द कंबाइंड डाटा स्ट्रीम ओवर अ सिंगल हाई स्पीड चैनल तो दो या दो से ज़्यादा टर्मिनल से इसके पास इनपुट आता है कंप्यूटर पोर्ट से इनपुट आता है और ये उसे कंबाइंड डाटा स्ट्रीम बना के सिंगल हाई स्पीड चैनल के थ्रू डाटा को भेजा जाता है आगे ठीक है और बाद में ये जो हाइट्स भी चैनल है इसे डी मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है रिसीविंग एंड पे ये सारा इकट्ठा हुआ ऐसे गया डाटा और फिर जाके फिर से डी मल्टीप्लेक्स हो गया ठीक है वहां पे आगे भी कोई मल्टीप्लेक्सर होगा या कोई और सॉफ्टवेयर होगा कि यहां पे सारा डाटा इकट्ठा करके एक स्ट्रीम में भेजा यहां पे जाके फिर से डी मल्टीप्लेक्स हो गया तो मल्टीप्लेक्सर भी यूज हो सकता है फिर आता है फ्रंट एंड प्रोसेसर फ्रंट एंड प्रोसेसर क्या होता है एक कम्युनिकेशन प्रोसेसर होता है ये एक तरीके का स्मॉल साइज्ड कंप्यूटर होता है जो होस्ट कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करता है या फिर जो और प्रिंटर्स टेप यूनिट टर्मिनल्स उनके साथ ये इंटरफेस करता है तो डाटा होस्ट कंप्यूटर और फ्रंट एंड जो प्रोसेसर है उनके बीच में डाटा ट्रांसफर होता है ये जो फ्रंट एंड प्रोसेसर होगा ये जो हमारा होस्ट कंप्यूटर होगा उस पर लोड भी कम कर देगा कि जो भी पेरीफेरल डिवाइस है उन्हें संभालने का काम मैसेज रिसीव करने का ट्रांसमिट करने का काम पैकेट असेंबली करना डाटा पैकेट्स में ट्रैवल करता है ना उनको एक जगह पे असेंबल करने का काम एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन का काम फ्रंट एंड प्रोसेसर कर देगा तो होस्ट कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा सा लोड जो है कम हो जाता है ठीक है तो अभी तक हमने क्या देखा पहले ट्रांसमिशन मीडियम देखा हमने ठीक है जो भी हमारा डाटा ट्रैवल करता है पहले ट्रांसमिट करने के लिए क्या यूज होगा वायर यूज होगा केबल कौन सी यूज होगी या कम्युनिकेशन सेटेलाइट यूज होगा फिर ट्रांसमिशन को प्रोसेस करने के लिए क्या है या तो मैसेज स्विच यूज कर लो मल्टीप्लेक्सर यूज कर लो या फ्रंट एंड प्रोसेसर यूज कर लो ठीक है अब जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो देखा जाएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन का क्या मतलब है डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो दो कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में जो डायरेक्शन होती है फ्लो की उसको लेके हम हम बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में तो कम्युनिकेशन के लिए डाटा कैसे ट्रांसमिट हो सकता है सिम्प्लेक्स हाफ डुप्लेक्स या फिर फुल डुप्लेक्स की फॉर्म में ये हम देखते हैं इनका क्या मतलब है सिम्प्लेक्स में क्या है डाटा एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है जो सेंडर है वो डाटा सिर्फ भेज पा रहा है जैसे कीबोर्ड में है कीबोर्ड सिर्फ डाटा भेज पा रहा है रिसीव बैक नहीं कर रहा है एक्सचेंज ऑफ डाटा एक डायरेक्शन में होता है इसका परफॉर्मेंस सबसे कम होता है हाफ डुप्लेक्स में क्या है डाटा दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज़ हो रही है या तो डाटा भेजा जा रहा है या फिर डाटा रिसीव किया जा रहा है जैसे जब आप वॉकी टॉकी पे बात करते हो तो पहले आप बटन प्रेस करके कुछ बोलते हो वो सुनता है फिर वो बटन प्रेस करके कुछ बोलता है आप सुनते हो तो ये हाफ डुप्लेक्स होता है बाई डायरेक्शनल है लेकिन वन एट अ टाइम फुल डुप्लेक्स में क्या है बाई डायरेक्शनल डाटा भेजा भी जा रहा है रिसीव भी हो रहा है जैसे टेलीफोन में आप भी बोल सकते हो सामने वाला भी बोल सकता है आप भी सुन सकते हो सामने वाला भी सुन सकता है तो सेंडर कैन सेंड एंड रिसीव डाटा साइमल्टेनियसली सबसे कम परफॉर्मेंस किसका होता है सिम्प्लेक्स का फिर बेटर परफॉर्मेंस हाफ डुप्लेक्स का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस फुल डुप्लेक्स का होता है सिम्प्लेक्स हम कब यूज करते हैं जब हमने एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल यूज करनी है डाटा सेंड करने के लिए ठीक है जहां पे मैक्सिमम बैंडविथ रिक्वायर है ट्रांसमिशन के लिए वहां पे सिम्प्लेक्स यूज होता है जहां पे बैंडविथ को बचाने की जरूरत है वहां पे हाफ डुप्लेक्स यूज होता है इट इज यूज टू कंजर्व बैंडविथ एज ओनली अ सिंगल कम्युनिकेशन ऑन चैनल इज नीडेड विच इज शेयर्ड ऑल्टरनेटिवली बिटवीन द टू डायरेक्शन ठीक है इसमें बैंडविथ बच जाती है फिर आता है फुल डुप्लेक्स इट इज यूज वेन कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड आप बिना डिले के दोनों तरफ की दोनों तरफ फ्लो चाहते हो दोनों तरफ डायरेक्शन चाहते हो ठीक है कम्युनिकेशन दोनों तरफ रिक्वायर्ड है तो फुल डुप्लेक्स यूज होता है ठीक है तो व्हाट इट इज इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन के सिग्नल कैसे फ्लो कर रहा है सिंपलेक्स में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है हाफ डुप्लेक्स में दोनों में फ्लो करता है लेकिन वन एट अ टाइम फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ डाटा सिग्नल जो है वो मूव करता है फिर एक टॉपिक की बात करते हैं स्विफ्ट की स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसे 1973 में फाउंड किया गया था टू थर्टी नाइन बैंक आए पंद्रह देशों के अलग अलग और उन्होंने एक यूनिफाइड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया देखो अब इंटरनेशनली फंड्स ट्रांसफर होते हैं यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ इंटरनेशनली ट्रांसपोर्ट होते हैं ठीक है तो उसके लिए हमारा स्विफ्ट सिस्टम है स्विफ्ट एक नॉन कॉपरेटिव है ए, एक कॉपरेटिव है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेल्जियन लॉ के अंडर बना है जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है तो ये बेसिकली सिर्फ एक फाइनेंशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन जब होती है इंटरनेशनली तो ये जो मैसेजिंग होती है वो किसके थ्रू होती है वो स्विफ्ट के थ्रू होती है ठीक है इस नेटवर्क के अंदर मोर देन ट्वेंटी मिलियन पेमेंट्स सिक्योरिटी स्ट्रेट फाइनेंस ये मैसेजेस डेली होते हैं बहुत ही ज्यादा रिलायबल मैनर में ठीक है स्विफ्ट इज होली ओन्ड बाय इट्स मेंबर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेडक्वार्टर कहाँ पे है ब्रसल्स में है तो एक तरीके का सिर्फ मैसेज ट्रांसमिशन सिस्टम है तो बिना किसी बैंक चेक के बैंक नोट के ड्राफ्ट के आप मैसेज ट्रांसमिशन कर सकते हो वो नेटवर्क जो प्रोवाइड कर रहा है वो सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहा है वो है स्विफ्ट इंडिया के सारे जो भी नेशनलाइज बैंक हैं वो स्विफ्ट के मेंबर्स हैं बैंक लोकेशन आर कनेक्टेड टू द स्विफ्ट रीजनल प्रोसेसर एट मुंबई तो इंडिया के जो सारे बैंक हैं वो किससे कनेक्टेड है स्विफ्ट रीजनल प्रोसेसर एट मुंबई तो जब भी इधर से उधर जब पैसा जा रहा है तो वो जो मैसेज जा रहा है इधर से उधर ट्रांसमिशन का वो किसके थ्रू जा रहा है स्विफ्ट के थ्रू जा रहा है ठीक है तो स्विफ्ट पूरा साल 24 फोर आर ऑपरेशनल रहता है मैसेज इमिजिएटली वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है जो मैसेज के फॉर्मेट्स हैं बैंक्स की ट्रांजेक्शन्स को लेके वो स्टैंडर्डाइज हैं मैसेज हमेशा जो भी भेजा जाता है उसे एक्नॉलेज किया जाता है चाहे वो मैसेज एक्सेप्ट हो चाहे वो रिजेक्ट हो जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इसके साथ डील नहीं कर सकता है ठीक है स्विफ्ट एज्यूम्सिबिलिटी फॉर द एक्यूरेसी एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ ऑल वैलिडेटेड मैसेजेस स्विफ्ट की फाइनेंशियल लाइबिलिटी रहती है वो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी वैलिडेटेड मैसेज है उनकी एक्यूरेसी रहेगी और उनकी टाइमली डिलीवरी रहेगी ठीक है और ये काफी एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है तो स्विफ्ट ने ना स्टैंडर्ड मैसेज फॉर्मेट्स डेवलप कर रखे हैं कस्टमर पेमेंट चेक्स करनी है ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फाइनेंशियल ट्रेडिंग करनी है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कैश मैनेजमेंट करनी है कस्टमर स्टेटस जानना है सिक्योरिटीज़ को लेके जो भी मैसेजेस आते जाते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स डिवेलप्ड हैं ठीक है कुछ फ्री फॉर्मेट मैसेजेस भी आप भेज सकते हो यानी कि किसी भी प्रकार का मैसेज भेजना है या तो उनके लिए स्टैंडर्ड्स हैं अलग से या फिर एक फ्री फॉर्मेट भी अवेलेबल है तो जो भी इंटरनेशनली बैंक ट्रांजेक्शन होती हैं उनके थ्रू तो जो मैसेज ट्रांसमिशन होता है वो स्विफ्ट के थ्रू होता है इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है कोई भी अनऑथराइज पर्सन इसमें नहीं आ सकता है ट्रांसमिशन में एरर्स नहीं होते हैं कहीं पे भी प्राइवेसी भंग होने के चांसेस नहीं होते हैं ठीक है स्विफ्ट डज नॉट अज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैसेजेस बिटवीन द रीजनल प्रोसेसर एंड द बैंक्स तो इंडिया में जो रीजनल प्रोसेसर है वो मुंबई में है है ना तो बैंक्स और मुंबई वाले जो रीजनल प्रोसेसर के बीच में जो मैसेजिंग होती है उसको लेके स्विफ्ट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ठीक है हाँ मुंबई वाला रीजनल प्रोसेसर और लंडन वाला रीजनल प्रोसेसर इनके बीच में जो भी मैसेज ट्रांसमिट हो रहे हैं उनको लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विफ्ट की है तो इसमें की ऑथेंटिकेशन हो का मैकेनिज्म भी अवेलेबल है ठीक है पहले टेलीग्राफिक टेस्ट कीज होती थी उन्हीं का ये एक ऑटोमेटेड इंप्रूव्ड वर्जन है तो की ऑथेंटिकेशन होती है मैसेज की ठीक है कोई भी एरर हो वो भी डिटेक्ट हो जाता है इनक्रिप्टेड रहता है ठीक है एक तरीके का सिक्योरिटी कंट्रोल रहता है डाटा इनक्रिप्ट होके जाता है इस तरीके से कहीं पे भी एरर नहीं आ सकता है ठीक है, चेकसम क्या होता है इट इज सिक्योरिटी कंट्रोल टू प्रिवेंट ऑटोमेटिक चेंजेस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन चेकसम भी अप्लाई किया जाता है स्विफ्ट के द्वारा ताकि जो भी मैसेज है वहां पे कोई भी ऑटोमेटिक चेंजेस ना आ सके ठीक है ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं चेकसम की वजह से ठीक है अब जो स्विफ्ट है इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी अलाउ कर दिया गया है स्विफ्ट की सर्विसेज यूज करना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी अलाउ कर दिया गया है स्विफ्ट ने एक पेमेंट कंट्रोल फीचर लेके आया था 2018 में ताकि जो भी स्विफ्ट के थ्रू कोर पेमेंट्स होती हैं ग्लोबली उन्हें अच्छे से मॉनिटर किया जा सके स्विफ्ट का एक जीपीआई भी है ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन जिसके थ्रू जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो जल्दी से पैसा भेज सकें रिसीव कर सकें सिक्योरली दुनिया में किसी को भी फुल ट्रांसपेरेंसी से और फुल सिक्योरिटी से तो जो स्विफ्ट जी आने के बाद जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग में भी जो पेमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो गई हैं ठीक है ठीके? और स्विफ्ट जी से एक फ़ीचर ये आया है कि अगर आपने मैसेज ट्रांसमिट किया पेमेंट चेन में कहीं पे भी है वो मैसेज कभी भी उस पर स्टॉप लगाया जा सकता है स्विफ्ट जी से अबिलिटी आई है टू इमिजिएटली स्टॉप पेमेंट एट एनी पॉइंट इन द पेमेंट चेन और साइमल्टेनियसली जो भी बैंक्स इन्वॉल्व है उन्हें नोटिफिकेशन चला जाता है कि पेमेंट को रोक दिया गया है कभी भी रोका जा सकता है ठीक है अब हम बात करते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम की चेक ट्रंकेशन सिस्टम हमने पहले भी किया है एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है इसके आने से पहले एम आई सी आर क्लियरिंग होती थी इंडिया में लगभग सिक्सटी वन एम आई सी आर सेंटर्स थे ठीक है एम आई सी आर सेंटर्स जो है एक सेंटर अपने लोकल जोग्राफी के जो भी चेक्स हैं उनका क्लियरिंग और सेटलमेंट करता था जो भी चेक उनके बाहर की जोग्राफी का होता था उनके एरिया के बाहर का उसे आउट स्टेशन क्लियरिंग माना जाता था ठीक है लेकिन यहाँ पे ना फिजिकल चेक ट्रैवल करता था आप अपना चेक बैंक में जमा करवाते थे तो फिर वो सारे चेक फिजिकली एक बैंक से दूसरे बैंक में प्रेजेंट होते थे ट्रांसफर होते थे तो एक तो टाइम लंबा था चेक की टेम्परिंग का इशू भी रहता था इसीलिए आर लेके आया चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक ट्रंकेशन सिस्टम में क्या होता है कि फिजिकल चेक को मूव करने की जरूरत नहीं है मैंने चेक ले जाके बैंक के पास जमा करवाया बैंक उसके ऊपर जो सारा डेटा है उसे कैप्चर करेगा ठीक है उस डेटा को ट्रांसफर करेगा सामने वाले बैंक को डेटा ट्रांसफर होगा चेक ट्रांसफर नहीं होगा और इसके अंदर जो क्लियरिंग है वो ग्रिड बेस्ड सिस्टम पे होती है तीन रीजनल ग्रिड्स हैं हमारे पास ठीक है तीन रीजनल ग्रिड्स के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है उनमें से एक तो है मुंबई इसके अलावा बाकी आप दो भी मुझे बताएंगे ठीक है तीन ंग लोकेशन है और ग्रिड बेस सेटलमेंट होता है टी प्लस वन बेसिस पे यानी कि बहुत जल्दी भी हो जाता है ठीक है तो मैंने जाके चेक प्रेजेंट किया बैंक को बैंक इसके ऊपर से जो भी एम आई सी आर का डेटा है पिक्चर क्लिक करना है वो डेटा अपने पास रखेगा और ये डेटा किसको भेजेगा क्लियरिंग हाउस को भेजेगा क्लियरिंग हाउस फिर जो है ड्रॉई बैंक को डेटा भेजेगा वो भी इस सारे डेटा को देख के रिटर्न करेगा जो भी फाइल है तो यहाँ पे जो फिजिकल चेक है वो नहीं मूव कर रहा है जो कैप्चर किया गया है प्रेजेंटिंग बैंक के द्वारा वही आगे आगे मूव कर रहा है फिजिकल चेक तो जो है वो एक कॉमन वेयर हाउस में स्टोर होता है वैसे चेक का सिर्फ डेटा ही मूव कर रहा है सी में एम वाले में क्या था चेक मूव करता था तो चेक खराब होने के भी चांसेस रहते थे सीटीएस में क्या है आप सिर्फ पिक्चर क्लिक करते हो एम का डेटा कैप्चर करते हो और वो क्लियरिंग हाउस को भेजते हो क्लियरिंग हाउस से चेक करके ड्रॉई बैंक को भेजता है तो इस तरीके से सिर्फ डेटा मूव कर रहा है और ये बहुत जल्दी सेटलमेंट हो जाती है तो चेक ट्रंकेशन में इलेक्ट्रॉनिक इमेज होती है पेपर चेक की जो मूव करती है इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व होते हैं वही चेक का ट्रंकेशन कर सकते हैं यानी वही इलेक्ट्रॉनिक इमेज चेक की क्लिक कर सकते हैं मैं अपने चेक की पिक्चर क्लिक करके बैंक को नहीं भेज सकती कि इसके थ्रू पेमेंट क्लियर करवा दो नहीं ये इमेज वाला काम जो है सिर्फ बैंक और क्लियरिंग हाउस ही कर सकते हैं ड्रॉर या होल्डर चेक को ट्रंकेट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो फिजिकली चेक को मूव करने की ज़रूरत नहीं है टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है फिजिकल चेक जो है वो या तो बैंक के वेयर हाउस में या क्लियरिंग हाउस के वेयर हाउस में रहता है ठीक है द एडिशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द ट्रंकेटिंग बैंक और क्लियरिंग हाउस टू द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज ऑप्शनल अगर जो क्लियरिंग हाउस है या जो ट्रंकेटिंग बैंक है वो उस चेक पे अपना डिजिटल सिग्नेचर एड कर सकता है लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है वो ऑप्शनल है ठीक है तो चेक ट्रंकेट करने के लिए एम का डेटा भी यूज हो सकता है और इमेज प्रोसेसिंग भी यूज हो सकती है ठीक है तो एम डेटा कैसे यूज हो सकता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम में एम चेक के अंदर चेक नंबर सिटी बैंक ब्रांच नंबर ट्रांजेक्शन कोड प्री कोडेड होते हैं ठीक है ड्यूरिंग द एनकोडिंग एट द कलेक्टिंग बैंक द अमाउंट इज इंसर्टेड इन द एम आई सी आर लाइन द एंटायर एम आई सी आर लाइन इज देन कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एम आई सी आर लाइन को इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर कर लिया जाता है ठीक है चेक फिर इसके आगे मूव नहीं करता है इस इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर्ड डेटा को ही मूव किया जाता है दूसरा तरीका है इमेज प्रोसेसिंग करके कि दोनों साइड की चेक की पिक्चर ले लो और फिर वो आगे ट्रांसफर करो तो चाहे एम डेटा के थ्रू चेक ट्रंकेट कर लो चाहे इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू डेटा चेक को ट्रंकेट कर लिया जाता है अब इसका फायदा क्या है एक तो टाइम कम हो गया है बहुत ज्यादा ईजिली इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जा सकती है क्लियरिंग में टाइम कम हो गया है एम अमाउंट का एनकोडिंग नॉट रिक्वायर्ड चेक घूमने का टेम्पर होने के कोई भी चांसेस नहीं है रिकंसिलियेशन डिफरेंस एलिमिनेटेड एम और इमेज डेटा हमेशा साथ में ट्रैवल करते हैं तो रिकनसिलेशन का भी इशू नहीं रहता है मैन्युपुलेशन नहीं रहता है जो नए सी टी एस टू थाउजेंड टेन स्टैंडर्ड के चेक्स हैं उनमें सिक्योरिटी फीचर्स भी ज़्यादा अच्छे हैं ठीक है थीके? अब इससे क्या है कॉमर्शल बेनिफिट भी हैं अब जो भी चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है वो ग्रिड बेस्ड है तो बैंक्स के लिए लिक्विडिटी मैनेज करना भी आसान रहता है ठीक है फ्रॉड करना इसमें मुश्किल है फ्रॉड शन मैकेनिज्म भी इसके अंदर इन्वॉल्व है जो इमेजेस हैं उन्हें मैन्युलेट भी नहीं किया जा सकता तो सी पैसे के हिसाब से लिक्विडिटी के हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से हर तरीके से पुराने सिस्टम से सुपीरियर है अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है उसकी रिगार्डिंग क्या इनकरेक्ट है इट सपोर्ट्स अ डाटा रेट ऑफ टू गीगा सेकेंड काफी हाई रेट होता है डेटा का ट्रांसमिशन का ये बिल्कुल सही है हाई क्वालिटी लो एरर रेट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स एट वेरी हाई स्पीड ये भी बिल्कुल सही है ट्रांसमिशंस आर अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का फ़र्क नहीं पड़ता है तो ये गलत है तो हमारे पास इनकरेक्ट पूछा गया है थ्री ओनली

बैंड विथ कंजर्वेशन का काम फुल डुप्लेक्स में तो होता ही नहीं है ये कहां पे होता है ये तो हाफ डुप्लेक्स में होता है ये भी गलत है इट परफॉर्म्स बेटर देन सिम्प्लेक्स बट नॉट हाफ डुप्लेक्स डुप्लेक्स परफॉर्म्स बेटर देन बोथ सिम्प्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स तो ये भी गलत है तो ऑल ऑफ द अबवर इनकरेक्ट डी इसमें सही आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सीटीएस सीटीएस की रिगार्डिंग क्या इनकरेक्ट है ओनली द बैंक इन्वॉल्व एंड द क्लेयरिंग हाउस कैन ट्रंकेट द चेक बिल्कुल सही सिर्फ बैंक और हाउस ही चेक को ट्रंकेट कर सकते हैं ये सही है तो जो चेक को ट्रंकेट करते हैं वो बैंक या हाउस ही फिजिकल चेक को रखते हैं वेयर हाउस में बिल्कुल सही ठीक है द ट्रंकेटिंग बैंक और क्लियरिंग हाउस टू द इलेक्ट्रॉनिक इमेज इज कंपल्सरी डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना कंपलसरी नहीं है ऑप्शनल है ये गलत है सो सी इज द करेक्ट आंसर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम एंड हैज नो लिमिटेशन ऑफ डिस्टेंस देखो केबल में तो डिस्टेंस का लिमिटेशन रहता ही है माइक्रोवेव भी सबसे फास्टेस्ट नहीं है सबसे फास्टेस्ट और जिसको डिस्टेंस का लिमिटेशन नहीं है वो होती हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट तो सी इज द

एटीएम पे जाके ठीक है ओ के थ्रू ओ आएगा आपके मोबाइल नंबर पे तो उस OTP को भर के फिर आप जाके ATM, ATM जाके एटीएम एटीएम पे अपना पिन जनरेट कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं आजकल आपने देखा है ना कि पिन आप आपको जब नया डेबिट कार्ड मिलता है तो आपको बोला जाता है एटीएम पे जाके पिन जनरेट कर लो तो आप एटीएम पे जाते हो फिर आप वहां पे सर्विस सेलेक्ट करते हो फिर आपके फोन पे ओटीपी आता है फिर ओटीपी आपके थ्रू आप अपना ओटीएम का पिन जनरेट करते हो इसे कौन सी फैसिलिटी बोलते हैं रेड पिन, ग्रीन पिन ब्लैक पिन ओटीपी पिन तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ये था हमारा आज का सेशन तो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच